एंटीपीसी सिंगरौली शक्तिनगर भारत मिशन के तहत स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। इस अवसर पर एनटीपीसी सिंगरौली आवासीय परिसर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए संगम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, विनीता समाज, इंटरप्रास्ट क्लब, शिव मंदिर आदि सार्वजनिक स्थल पर सूखा एवं गीला कचरा रखने के लिए एनटीपीसी ने 40 डस्टबिन उपलब्ध कराए। एनटीपीसी सिंगरौली के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्लॉट कैंटीन में स्वच्छता अभियान के साथ श्रमदान किया गया। इस अवसर पर एनटीपीसी सिंगरौली के परियोजना प्रमुख राजीव कटोतकर ने सभी को प्रेरित करते हुए कहा कि हम सभी को सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए एवं सभी को स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी सिंगरौली भविष्य में भी स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के स्वच्छता संबंधित कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्वच्छता अभियान के अवसर पर महाप्रबंधक प्रचालन सतीश कुमार गुजरानिया सहित सभी विभाग अध्यक्ष, एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारीगण, यूनियन एवं एसोसिएशन के मानद प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।